लेकिन एक और खबर की अब बात करते हैं और एक्सक्लूसिव खबर है कि ईडी ने सूर्य विनायक इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स की संपत्ति जब्त की है। संजय जैन और राजीव जैन से बोगस बिल के जरिए 1937 करोड़ के लोन लिया गया था। इनफैक्ट ये पूरी खबर क्या है, क्या मायने है इसके, ये समझ लेते हैं। दीपू राय मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद भी है। दीपू, एग्जैक्टली आप बताएंगे कि एग्जैक्टली ये खबर क्या है, किस कंपनी से जुड़ी हुई है, कब का ये पूरा मामला है? देखिए, ईडी ने अभी अभी प्रॉपर्टी जब्त की है इन दो डायरेक्टर्स की, जो कि सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, श्री संजय जैन और राजीव जैन, रमेश कुमार सरीन और बाकी लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन संपत्ति दो लोगों की जब्त की गई है। एक्चुअली इन लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक सहित कुल 21 बैंक से 1937 करोड़ का लोन लिया था। और आपको बता दें कि 4.84 करोड़ इनकी एक्चुअल वैल्यू थी जिस स्टॉक की, उसको दिखाया था इन्होंने 887 करोड़ का। तो आप अंदाजा, उसके बाद इस केस को ईडी ने ले लिया और ईडी ने जब तहकीकात किया तो यह पता चला कि इससे ज्यादातर बड़ी रकम करीब 2066 करोड़, जिसमें कि इंक्लूडिंग वो बैड लोन टर्न हो चुका था जो इंटरेस्ट के साथ, वो सारा का सारा इन्होंने सैफंड ऑफ कर दिया है विदेश में। और इसके बाद ईडी ने इनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया है। इसमें सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज ने अपनी सहयोगी कंपनियों का पूरी तरह से सहारा लिया है, जिसमें की SVIL माइंस और बाकी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कंपनीज हैं। जी दीपू, एक चीज और, टोटल कितना आउटस्टैंडिंग लोन है इस इंडस्ट्री पे, ऑफिस की सब्सिडी कंपनीज पर? दूसरा, ये जो प्रॉपर्टीज जब्त की है उनकी वैल्यू क्या आखी जा रही है, अगर आइडिया हो आपको तो? देखिए, अभी दो जो डायरेक्टर का अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि संजय जैन और राजीव जैन की जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है उसकी करीब करीब 52 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है जो जब्त की गई है सेक्शन 5(1) के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत। इनके ऊपर टोटल 2000 करोड़ से ऊपर का लोन है और कुछ एक्स्ट्रा लोन भी है, जिसको की 266 करोड़ का, जो की अब बैड लोन बन चुका है यानी कि डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। और आपको बता दें कि जी बिजनेस ने एक साल पहले इस लिस्ट को चलाया था जिसमें सूर्य विनायक लिमिटेड थे और बाकी कंपनीज थी। जी शुक्रिया आपका दीपू। इनफैक्ट जिस तरह से दीपू ने कहा भी कि जी बिजनेस ने पहले ही बताया था, जो टॉप 10 डिफॉल्टर्स की लिस्ट आपको बताई थी उसमें सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज का नाम शामिल था। और अब इस पर डेवलपमेंट ये हुई है कि ईडी ने सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज के जो दोनों डायरेक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया है। भारी कर्ज है कंपनी पर और PNB सहित 21 बैंक है जिनका एक्सपोजर है, जिनके लोन्स का एक्सपोजर इस कंपनी में 2500 करोड़ के आसपास का कर्ज है। और इस केस में यह बड़ी डेवलपमेंट हुई है।